इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले IRCTC के बारे में, जिसकी कि अर्निंग्स अनाउंस हो चुकी हैं। और कंपनी ने दोस्तों 2 रुपये का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है पर शेयर, और रिकॉर्ड डेट 18 फरवरी 2022 रखी है। अगर आप इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे एज पर रिकॉर्ड डेट, तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कंपनी के नंबर्स हमें इस बार कैसे देखने को मिल रहे हैं। पूरा डेटा इन लैक्स में दिया हुआ है, हम इन करोड़्स में बात कर लेंगे। Q3 की अर्निंग्स फर्स्ट रो में, देन Q2, देन December 2020 की डिटेल्स हैं। तो देख सकते हैं आप, December 2020 में 245 करोड़ की इनकम थी कंपनी की, जो बढ़ के इस बार 556 करोड़ पे आ चुकी है। अगर हम बात करें दोस्तों, कंपनी के टोटल रिवेन्यूज ईयरली बेसिस पे काफ़ी तेज़ी से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और Q2 में 421 करोड़ के टोटल इनकम थी कंपनी की, जो बढ़ के इस बार 556 करोड़ पे आ गई। तो कंपनी के जो रिवेन्यूज़ है दोस्तों, वो क्वार्टरली बेसिस पे भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हैं, और ईयरली बेसिस पे भी हमें एक शानदार जंप देखने को मिल रही है। उसके बाद बात करें अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो Q3 में 274 करोड़ के रहे, Q2 में 207 करोड़ के, और December 2020 में 140 करोड़ के अराउंड कंपनी के खर्चे। तो जिस तरीके से इनकम बढ़ी है, सेम हमें कंपनी के खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों टैक्स की एडजस्टमेंट होती है, इधर निकल गया था हमारा प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो इस बार के जो कंपनी के प्रॉफिट्स रहे, वो 208 करोड़ के रहे, Q2 में 158 करोड़ के थे, और December 2020 में 78 करोड़ के थे। तो काफ़ी मैसिव जंप है दोस्तों। ईयरली इनकम की बात करें, 78 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 208 करोड़ पे आ गया, और क्वार्टर बेसिस पे 158 करोड़ से बढ़ के 208 करोड़ पे। तो Q-on-Q + Y-on-Y दोनों जगह बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों जंप हमें देखने को मिल रहा है। EPS की बात करें, 2.61 Q3 का, 1.98 Q2 का, और December 2020 का 0.98। तो जिस तरीके से प्रॉफिट्स बढ़े, सेम हमें EPS भी क्वार्टर प्लस ईयरली बेसिस पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल दोस्तों शानदार नंबर है, और कंपनी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हैं। आपके पास कितने शेयर्स हैं, कितने में आपने खरीदारी कर रखी है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।